कोरोना से अब तक प्रदेश भर में 9000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं विभाग की ओर से अब ऑडिट करवाने की बात कही जा रही है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, लगातार देखा गया कि कोरोना पॉजिटिव जो भी लोग थे जिनकी डेथ काउंट की गई थी, वो 14 दिन के अंदर यदि उसकी डेथ हुई है उसे काउंट किया गया है, 14 दिन के बाद अगर उसकी डेथ हुई है उसे काउंट नहीं किया गया है, जबकि वो व्यक्ति हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती था, उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया, लेकिन प्रशासन ने, चिकित्सा विभाग ने उसे कोरोना डेथ में काउंट नहीं किया। तो ऐसे में क्या अब विभाग की आगे की कार्य योजना है? देखिए आशीष, जिस तरह से बात करें तो लगातार अब जो कोरोना के जो आंकड़े सामने आए और उससे जो मौतों के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर अब ऑडिट की जा रही है। कई जो राज्य हैं उसमें पहले ऑडिट की गई, उसमें जिस तरह से बिहार में भी ऐसे केसेस देखे गए हैं, महाराष्ट्र में भी जो डेथ की जो ऑडिट की गई थी उसमें एक बार फिर से जो आंकड़े बढ़े हुए नजर आए थे, और साथ साथ जो कोरोना से जो मौतें हुई है उनके जो आंकड़ों को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में कोरोना से मौत हुई थी, और कई ऐसे जो आंकड़े हैं और कई ऐसे मौतें हैं जो अभी आंकड़ों में दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में विभाग ने जो राजस्थान में मौत की ऑडिट को लेकर निर्देश दिए गए थे, और उसके बाद में अब ग्रामीण क्षेत्रों में और जो ग्राउंड पर एक बार फिर से जो टीमें गठित करके मौत को एडिट करवाया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह की जो जो मौतें हैं, जिसमें बात करें तो कोरोना संक्रमण होने के बाद में अस्पताल में चाहे मौत हुई हो या घर पर रहते हुए इलाज के दौरान मौत हुई हो या फिर पोस्ट कोविड मौत हुई हो, इन सभी को लेकर जो ऑडिट की जाएगी, तमाम जो दस्तावेज है वो तैयार किए जाएंगे और उसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो और उसके बाद में जो तमाम जो अभी आंकड़े आए हैं जिसमें 8900 के करीब पूरे राजस्थान में जो कोरोना से मौतें हुई है उसमें बदलाव आ सकता है, क्योंकि संभावना जिस तरह से जिन राज्यों में डेट ऑडिट की गई है उसके अनुसार यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि उसमें भी बदलाव आ सकता है। इसको लेकर हमने अधिकारियों से बात की तो उनका भी कहना है कि कई ऐसे मामले पहले से सामने आए हैं जिसमें जो मौत किसी अन्य वजह से हुई और कोरोना में बता दी गई है, क्योंकि इलाज जब पोस्टमार्टम के दौरान कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसको लेकर भी कई जगह जो मौत को पॉजिटिव बता दिया गया है, कोरोना की वजह बता दिया गया है। साथ ही कई ऐसे आंकड़े हैं जहां पर कोरोना से मौत होने के बाद में भी उसको उसमें शामिल नहीं किया गया, तो ऐसे मामलों को अलग अलग करके उनकी पुनः ऑडिट करवाई जा रही है। साथ साथ जो पोस्ट कोविड वाले जो मरीज हैं उनकी मौत हुई है उनको भी उसमें कोविड में शामिल करने के लिए इस तरह की जो ऑडिट है वो करवाई जा रही है। इसी के साथ में चिकित्सा विभाग की ओर से जो खबरें आ रही है उसमें ये है कि जो चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी मेडिकल कॉलेजों में कोविड की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर भी ऑडिट करवाने का जो काम है वो किया गया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर की जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर टीमें गठित करके वहां पर भी जो चिकित्सा सुविधाओं को लेकर ऑडिट करने का जो काम है वो राज्य सरकार की ओर से करवाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के चलते जो हालात बने हैं दूसरी लहर में, ऐसे में तीसरी लहर को, संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ही पहले से ही जो तमाम सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा और पूरी व्यवस्थाएं तैयार सुनिश्चित करवाने के लिए इस तरह की ऑडिट है वो करवाई जा रही है। जी बिल्कुल लोकेश, जिस प्रकार से ऑडिट करवाई जा रही है तो क्या सरकारी अस्पतालों के डेटा भी ऑडिट करवाए जाएंगे या फिर सिर्फ निजी अस्पतालों के डेटा है उन्हीं की ऑडिट करवाई जाएगी? देखिए ग्रास रूट पर जो बात करें तो टीमें गठित करके ग्रामीण क्षेत्र में भी और हर एरिया में इस तरह की जो ऑडिट है वो करवाई जा रही है, जिसमें जो मौतें हुई है उनके जो तमाम दस्तावेज है वो तैयार किए जा रहे हैं, साथ साथ जो अस्पतालों में जो मौत हुई है उनके आंकड़े भी तैयार किए जा रहे हैं। इसमें चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे जो निजी अस्पताल हो, उन सभी अस्पतालों के जो डाटा है वो तैयार किए जा रहे हैं, उसके बाद में ही जो डेथ ऑडिट की जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो ANM और जो स्वास्थ्य वर्कर है और जो लगे हुए हैं वो इन जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाटा तैयार करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी जो ग्राउंड पे लगे हुए जो हेल्थ वर्कर्स है वो ये। जी बिल्कुल लोकेश, कितने दिन में ये ऑडिट पूरी हो जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए जल्द ही ऑडिट को लेकर अभी जो काम लगातार चल रहा है, जो कर्मचारी वो लगे हुए हैं
और बताया जा रहा है कि जल्दी इस ऑडिट का काम पूरा हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से कोरोना के जो केस अब कम हुए हैं, ऐसे में स्वास्थ्य जो वर्कर है वो अब फ्री हुए और लगातार अब काम करने जो ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं और इस तरह का जो डाटा वो तैयार कर रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला।